Who can tap your telephone? And the police. गड्डी चो नहीं निकली मैं कहा ना दो मैं तो नहीं से लेके आया सारे ने कहा गड्डी चो ना निकलना मैं फखर अब्बास जो हैं भला हो इनका कि ये पीछे से क्योंकि आगे आगे शान से मेरा ख्याल पीछे मूव कर रहे थे ये उसका इंटरव्यू ले लेना फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने अपनी मूवी बनाना शुरू कर दी मुझे कहते हैं कि जी आप चले जाएं यहाँ से आप बेहतर हो जाएगा आप नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा आपका मैंने कहा नहीं मेरी ड्यूटी है मैं करूँगा अपना मैं अपना काम पूरा करूँगा अगर मेरे खिलाफ एक केस है और उसके खिलाफ मैंने बेल ली भी है तो क्या मुझे अरेस्ट हो जाना चाहिए आपका केस और खान साहब के केस में फर्क है वो तो तोशाखाना केस में जज साहब ने बुलाया तोशाखाना केस के अंदर काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है पुलिस का तो नहीं है वो देखिए बेसिकली वो हाजिरी करनी है उन्होंने 18 तारीख की वो उनकी कमिटमेंट है ऑडियो लीक सदर पाकिस्तान के साथ जब आई तो सदर पाकिस्तान से दोबारा नहीं कोई रब्ता हुआ नहीं मेरी बात कोई नहीं और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि सदर पाकिस्तान आपके सुप्रीम कमांडर इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि आप वीडियो ऑडियो टेप करके और इसको वायरल करें के दौर में भी मरियम बीबी बाकी लोगों की ऑडियो आती होती थी आपकी गवर्नमेंट में भी क्या हाल है आपके ठीक है क्या ये नहीं उनको भी पकड़ने आ रहे थे इन्होंने आगे पीछे गाड़ी लगी वो कह रहे थे कि आप ना बनाए आप चले जाइए यहाँ से मैंने कहा मेरी ड्यूटी है मैं फर्ज अपना फर्ज निभा रहा हूँ इसी की वजह से बचत हुई आप मुझे उठा के ले जाए फखर अब्बास की वजह से ये बाय चांस मेरी पीछे था बाय चांस इसने जो देखा ना गाड़ियाँ रुकी हुई थी आगे होके आया तो इसको ये पता चला कि ये मुझे निकालने की कोशिश कर मैंने गाड़ी लॉक करके अंदर बैठ गई मैंने कहा बताते रहो शोर मैंने कहा जो पहले मैंने शीशा नीचे किया तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपके पास कोई वारंट है कोई वारंट नहीं था एक लेडी पुलिस खड़ी हुई थी दो पुलिस वाले और खड़े हुए थे बार बार मुझे कह रहे थे कि जी आप उतर आएँ आप हमारे साथ बैठ के जाएँ आप यहाँ तक कि वो बेचारी लेडी पुलिस मुझे कहती है आप मेरी माँ जैसी हैं मैंने कहा पुत्र माँ जैसी होंगी तो तुम मैं नाल अपने जेल ले कर जा रहे हो पता तो चले ना क्यों लेके जा रहे हो नोबडी हैड एनी आंसर मैंने शीशा ऊपर करके मैं आपको अभी बेल का वो भी ज़रा बेल भी दिखा रही है बेटा बड़ी मेहरबानी अल्लाह हाँ ना बिल्कुल मेरा बच्चा ये बेल है ये बेल भी है आप मुझे बताइए कि ये पुलिस दहशतगर्दी हो रही है को अल्लाह से डरा करें मैं 73 साल की बुढ़ी औरत हूँ मैं मुझे 100 दफ़ा जाने को तैयार हूँ अगर वाकई कोई मेरे पे केस है मैं 10 दफ़ा जाने को तैयार हूँ ये तरीका है कोई शर्म करें कोई हया करें ये क्या करने के क्या चाह रहे हैं मुझसे कितने डर गए हैं कितने घबरा गए हैं कभी ऑडियो लीक्स करते हैं कभी कुछ करते हैं कभी कोई तमाशा करते हैं मुझे मैं तो बहुत ही दुख भरी दास्तान है इमरान खान साहब किसी भी स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं सोच रहे कि गिरफ्तारी देंगे खान साहब कोर्ट्स तो अब कहना शुरू हो गया बड़ा वाज़ेह ऑर्डर खान साहब ने अपना डिसीजन मैंने बताया आपको मुझे तो कोई वारंट नहीं दिखाया गया आपको बताया और ये बेल है ये बेल की तस्वीर तभी तो साथ दिखा रही हूँ ये बेल है तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है दाद देनी चाहिए आप मीडिया वालों को ये फखर अब्बास जो हैं भला हो इनका कि ये पीछे से क्योंकि आगे आगे शान से मेरा ख्याल पीछे मूव कर रहे थे ये उसका इंटरव्यू ले लेना वो भी मेरे पीछे मूव कर रहा था और हाँ वो पीछे मूव कर रहे थे जी मैं इनके पीछे पीछे मैं ना असल दफ्तर से वापस घर जा रहा था तो रास्ते में ना मैं जा रहा था मैम की गाड़ी आगे जा रही है मैंने मुझे नहीं पता कि मैडम यास्मीन राशिद जा रही हैं तो थोड़ा मैंने पूछा बंदे से मैंने कहा यार वहाँ पे क्या हुआ है आगे ट्रैफिक रुक गई है वो कहता है जी एक्सीडेंट हुआ हुआ है मैं उतर के गया हूँ मैंने कहा मैं देखूँ जाके तो देखा तो आगे मैडम की गाड़ी खड़ी हुई तो बीच में बैठे हुए थे और पुलिस वालों ने घेरे में लिया हुआ था आपने क्या किया फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने अपनी मूवी बनाना शुरू कर दी मुझे कहते हैं कि जी आप चले जाएँ यहाँ से आप बेहतर हो जाएगा आप नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा आपका मैंने कहा नहीं मेरी ड्यूटी है मैं करूँगा अपना मैं अपना काम पूरा करूँगा ये फिर मैंने वीडियो बनाई इनकी ऑफिस बताया वीडियो सेंड की और उसके बाद वो भाग गए जब ये मैंने किया है मैं नहीं टला तो वो फिर क्या वो क्या निकल गए गाड़ी लेके आप कुछ थी साथ सफर मैं सफ़र कर रहा था पीछे मुझे नहीं पता कि मैडम आगे जा रही है मैडम यासिन राशिद जा रही मैं कुदरती सफ़र कर रहा था तो आगे जब ये गाड़ी रुकी है तो तीन चार गाड़ियाँ थी उनकी वो गाड़ियों से ऐसे उतरे हैं कोई पता नहीं मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे मैं तो डर गया मैंने कहा पता नहीं कोई काम डल गया आगे तो मैं पैदल फिर आया वहाँ आगे देखा तो मैडम की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे जब देखा तो उन्होंने कहा जी इनको अपना अरेस्ट करने आया मैंने कहा जी मुझे कहते जी आप फुटेज ना बनाएं चले जाएँ यहाँ से मैंने कहा जी मेरी ड्यूटी है मैं बनाऊँगा मैं मेरे कार्ड लगाया हुआ दुनिया टीवी का मैं उसका एम्प्लॉई हूँ मैंने फुटेज बनानी है तो आपका तो राइट है ना हाँ जी तो मैंने फुटेज बनाई है उसके जब मैंने फुटेज बनाई है मैंने ऑफिस भिजवाई है
तो टिकर फ्लैश हो गया फौरन, वो दुनिया टीवी से सबको पता चला, दुनिया टीवी से पता चला, वो सारे भाग गए। उन्होंने कहा जी निकल जाओ तो काम डाल। मुझे आपसे जानना है, ये मैं इंटरव्यू कर लिया इनका, ये तो हमारे ऑफिस के हैं डॉक्टर साहब, खान साहब के गिरफ्तारी ना देने के फैसले से आपके वर्कर्स रिस्क पे चले जाते हैं, देखो तसादुम शुरू हो जाता है। बेटा अगर तो इस तरह लॉलेसनेस के साथ इन्होंने करना है, अगर इस तरह लॉलेसनेस, आप मुझे ये बताइए कोई मुझे अरेस्ट करने आए बगैर वारंट के, मुझे अरेस्ट हो जाना चाहिए? मैं वैसे पूछ रही हूँ, अगर मेरे खिलाफ एक केस है और उसके खिलाफ मैंने बेल ली हुई है तो क्या मुझे अरेस्ट हो जाना चाहिए? आपका केस और खान साहब के केस में फर्क है, फर्क वो तो तोशा खाना केस में जज साहब ने बुलाया, तोशा खाना केस के अंदर काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, पुलिस का तो नहीं है वो। देखिए बेसिकली वो हाजिरी करनी है उन्होंने 18 तारीख की, वो उनकी कमिटमेंट है, उन्होंने रिटर्न दे दी है, तो कोई तुक बनती है उनके अरेस्ट की? कोई अरेस्ट की तुक नहीं बनती, ये तो सिर्फ पुलिस दहशतगर्दी है, स्टेट की दहशतगर्दी हो रही है, अपनी तरफ से ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और हमारे कारकुनों की, और फिर भला हो मीडिया की, असल तो मीडिया जो है ना उससे वो घबराते हैं क्योंकि अनलॉफुल और इलीगल काम आप जब है, दुनिया टीवी के एम्प्लॉई की देखें आप, मैंने तो उससे वो उसने कहा पुलिस को कहा कि मैंने फुटेज बनानी है, उन्होंने हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये बात की, उसको खड़ा रहा इसने, बल्कि मुझे आगे तसल्ली दी, उसने कहा आप फिक्र ना करें मैं नहीं हटूंगा यहाँ। ऑडियो लीक सदर पाकिस्तान के साथ जब आई तो सदर पाकिस्तान से दोबारा नहीं कोई रब्ता हुआ? नहीं, मेरी बात कोई नहीं, और बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि सदर पाकिस्तान आपके सुप्रीम कमांडर, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो सकती है कि आप वीडियो ऑडियो टेप करके और इसको वायरल करें? हया शर्म आनी चाहिए। आई वाज टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। मेरा 20 तारीख को ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस लगा हुआ हाई कोर्ट के अंदर, उसमें ये वाला भी केस मैं डालूंगी। हाउ डेयर दे गो अराउंड, मैं एक प्राइवेट सिटीजन हूँ, कैसे मुझे हर मरतबा मेरे ऊपर ये करके? आपके दौर में भी मरियम बीबी बाकी लोगों की ऑडियो आती होती थी, आपकी गवर्नमेंट में भी सब लोगों की कोई ना कोई चीज़ आ जाती थी। देखिए मसला ये है, ऑडियो टेप कौन कर सकता है? हु कैन टैप योर टेलीफोन एंड द पुलिस? और पंजाब पुलिस के पास ये सहूलत नहीं है, ये के पास और के पास है, उनको आजकल मैं बहुत। आप मीडिया अपने साथ रखा करें। मैं तो भला हूँ, मैं तो आपको पता हर बार बड़ी कराएं, 2000 कैमरा मैन अंदर रखा करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच।